हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ऐसा है, आज की मेरी जो वीडियो है उसका टॉपिक है ये ब्रीथर लगा होता है, इसको आज निकालेंगे। और एक ये लगा होता है आगे, अब इसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, ये भी एयर को ही पंप करता है। वो किस तरह से पंप करता है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस आएंगी, इसमें गई और एग्जॉस्ट की फिर जो जो पाइप है वो ब्रीथर में आ गई, और दूसरी जो इसकी पाइप है जो कि ये वाली है वो जाएगी कार्बोरेटर के जस्ट थोड़ा सा आगे। तो इसके ऊपर दोस्तों वीडियो है, खोलते हैं अभी इसको सारे को। अभी सीट मैंने खोल दी है, इसको खोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, पहले बड़े साइज़ की बैटरियाँ थी तो इसमें हमने छोटे साइज़ की डलाई है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट था तो सेल्फ की इसकी स्पार्क क्लच जो होता है, वन वे क्लच होता है, उसका ख़राब हो गया। इसका जो क्लच है वो महंगा होता था, अब के जो इंजन आ रहे हैं उसका क्लच जो है स्पार्क क्लच बोल देते थे, वो सस्ता है, यानी वन वे क्लच है वो उसका सस्ता है। पहले जो आता था वो क्लच बहुत महंगा आता था, वन वे जो क्लच है, तो इसमें हमने वो डलवाया, नहीं तो छोटी बैटरी से भी काम चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी खोलते हैं इसको। यहाँ पे ना आया छिट्टे, बैटरी खोली, इसको खोलते हैं। तो ब्रीथर के लिए जगह मिल रही है, पूरी पूरी की पूरी जगह मिल रही है। ये जो होती है पाइप, ये भी इसी से कनेक्ट हुई होती है ब्रीथर से। ये दो पाइपें भी इसी में कनेक्ट हुई हैं। नीचे देखोगे तीन पाइपें हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए तीन पाइपें हैं नीचे, और एक पाइप और है वो भी दिखाता हूँ मैं, वो इसमें एयर फिल्टर में लगी, इसमें लगी हुई है पीछे वाले फिल्टर में। तो ठीक है दोस्तों, स्टोरी करते हैं शुरू। दोस्तों भी ऐसे मैंने यहाँ से पेचकस ऐसे रखा है, ऐसे थोड़ी सी चोट मारी तो ये खुल गया। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये देखो, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर अभी क्या है, मैंने भी नहीं कभी खोला। ये देखिए, इसमें एक फिल्टर लगा है, जाली है लोहे की, ये देखो। तो निकाल के ही साफ़ कर लेते हैं दोस्तों, अभी तो थोड़ा हाथ वाथ नहीं डल पा रहा है इसमें, निकाल के ही साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको खोलने के लिए एक नट लगा हुआ है पीछे है, काफ़ी दिखाता हूँ एक मिनट। ये इसके बीच में देखो। तो अभी दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद बिना कुछ खोले ये नट खोला मैंने, और ये दूसरी साइड से पाइप जो थी अपने फिल्टर वाले साइड से, वहाँ से पाइप छुड़ाई है। ये दिख रहा है ना जो पॉइंट, ये देखिए यहाँ से, ये जो छोटा सा पॉइंट है ये वाला, यहाँ से पाइप छुड़ाई है ये वाली, और ये फिल्टर आ गया, ये अपना वो आ गया बाहर ब्रीथर, और यहाँ से पाइप निकलवाई, एक दो पाइप यहाँ से निकलवाई, तो अभी ये आ चुका है बाहर। तो खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। मैंने इसका ये कैप खोला है अंदर से, तो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो एक ही सिंगल सिंगल पाइप इसकी साफ़ करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको, करते हैं ओपन, देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों ये निकाला है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, देखो मैंने अंदर से भी खोला है इसको, अभी कुछ है नहीं अंदर भी, ये छोटी सी एक जाली सी है बस, और कुछ नहीं है। अभी तो मैं चलो हाथ गंदे नहीं करना चाह रहा, फिर भी दिखा देता हूँ क्या है। ये है, और फिर जाली आ गई, और ये उसकी कैप थी बस, और ये पाइप इससे जुड़ी हुई है और कुछ नहीं है। तो यही था दोस्तों ब्रीथर के अंदर, वीडियो कर रहा हूँ क्लोज, फिर किसी दिन ये खोलूँगा, इसको भी खोल के बताऊंगा क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।